सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ FPO बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांव में सहकारी समितियां नहीं है वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 10 साल में 95 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मेट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मेट्रिक टन हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपया से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपया तक यानी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। पिछले दशकों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक 4 चरणों में 50 करोड़ से ज्यादा टीका पशुओं की दिए जा चुके हैं। माननीय सदस्यगण, जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं, सुविधाएं भर नहीं है, इसका देश के नागरिकों के पूरे जीवन चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मेरी सरकार की योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी है और गरीबी से लड़ रहे दुनिया के हर देश को प्रेरित कर रहने वाले हैं। बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है। इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60,000 रुपया तक की बचत हो रही है। पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रति वर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है। पीएम आवास योजना पर हुई अध्ययन के अनुसार पक्के घर से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ी है। पक्के घर में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और ड्रॉप आउट की दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के वजह से आज देश में 100% संस्थागत प्रसव हो रही है। इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। एक और अध्ययन के अनुसार उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों में गरीब बीमारी की घटनाओं में कम आई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानव केंद्रित विकास पर बोल दे रही है। हमारे लिए हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। यही सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा है। भारत के संविधान के हर अनुच्छेद का संदेश भी यही है। हमारे यहाँ लंबे समय तक सिर्फ अधिकारों पर चर्चा होती थी। हमने सरकार के कर्तव्यों पर भी बोल दिया। इससे नागरिकों में भी कर्तव्य भाव जागा
आज अपने अपने कर्तव्य के पालन से हर अधिकार की गारंटी का अभाव जागृत हुआ। मेरी सरकार ने उनकी भी सुद ली है जो अब तो विकास की धारा से दूर रहे हैं। ऐसे हजारों आदिवासी गांव है जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है। लाखों आदिवासी परिवारों को आप जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ। विशेष अभियान के तहत मेरी सरकार हजारों आदिवासी बहुल गांव में 4G इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है। बंधन केंद्रों की स्थापना और 90 से ज्यादा बोन उपज पर MSP दिए जाने से आदिवासियों को बहुत लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों को की सुध ली है। उनके लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपया की PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासी परिवार में अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया में पीड़ित रही है। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। अब तक लगभग 1,40,00,000 लोग की जांच की हो चुकी है। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाए हैं। साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई है। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे यहाँ विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में हमारी विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवार को भी सुध ली है। अभी तक PM विश्वकर्मा योजना से 84,00,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेठी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने PM स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत अब तक 10,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि के ऋण दिया जा चुका है। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए बिना कोलेटरल के ऋण दिया है। इस भरोसे के मजबूत करते हुए अधिकांश लोगों ने ऋण भी वापस किया है, अगली किस्त का भी लाभ उठाया है। इस योजना के अधिकतर लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं हैं। माननीय सदस्यगण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए OBC के केंद्रीय कोटे के तहत दाखिले में 37% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मेरी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित 10 संग्रहालय बनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण,
मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों तक उपेक्षित रहे। हमारी सीमाओं से सटे गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था, मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया। इन गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे दूर सुदूर के द्वीप समूह भी विकास से वंचित थे, मेरी सरकार ने इन द्वीपों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया। वहां सड़क, हवाई यातायात और तेज इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाई। कुछ सप्ताह पूर्व ही लक्षद्वीप को भी अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी सुविधा होगी। मेरी सरकार द्वारा आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तहत देश के 100 से अधिक जिलों में विकास का प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मेरी सरकार ने आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इससे देश के उन ब्लॉक्स में विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो पीछे छूट गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज पूरी सीमा पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। एक काम बहुत पहले ही प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भरे बाजार की चल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटना में भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थायी शांति के तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घाटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है। माननीय सदस्यगण, भारत के लिए ये समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे लिए छोड़ी है। अपने पूर्वजों की सौगातों का आज भी हम बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। आज की पीढ़ी को भी ऐसा विरासत बनानी है जो सदियों तक याद रखी जाए। इसलिए मेरी सरकार आज एक बड़े विजन पर काम कर रही है। इस विजन में आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम भी है। इसमें आने वाले 25 साल का रोड मैप भी है। हमारे लिए विकसित भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। हमारे लिए विकास भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। हम सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक ताकत को भी उतना ही महत्व देते हैं। इनके बिना विकास और आर्थिक समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है। बीते दशकों के फैसले भी इसी ध्येय से लिए गए हैं। आज भी अनेक कदम इसी लक्ष्य के साथ उठाया जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के तेज विकास को लेकर आज दुनिया की हर एजेंसी आश्वस्त है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो भी आकलन कर रहे हैं उनका आधार भारत की नीतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश और पॉलिसी रिफॉर्म निवेशकों का विश्वास और बढ़ा रहा है। पूर्ण बहुमत वाली स्थिर और मजबूत सरकार के लिए भारतीयों का संकल्प भी दुनिया को नया भरोसा दे रहे हैं। आज दुनिया को विश्वास है कि भारत ही ग्लोबल सप्लाई चेन को सशक्त कर सकता है। इसलिए भारत भी आज इसके लिए बड़े कदम उठा रहे हैं।
देश में एमएसएमई का एक मजबूत नेटवर्क बनाया जा रहा है। मेरी सरकार ने 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू किए हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हो चुका है। इससे देश में रोजगार और स्वरोजगार के लाखों नए अवसर बने। पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में भी लाभ हो रहा है। मेडिकल डिवाइस से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स में उत्पादन शुरू हो चुका है। मेरी सरकार ने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क भी बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, आज मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। मेक इन इंडिया को लेकर आज दुनिया आकर्षित हो रही है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को दुनिया समझ रही है। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में नए सेक्टर्स को लेकर उत्साहित है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में हो रहा निवेश इसका उदाहरण है। सेमीकंडक्टर सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बहुत लाभ होगा। मेरी सरकार आज ग्रीन मोबिलिटी को बहुत प्रोत्साहित दे रही है। बीते कुछ सालों में ही देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हुआ है। अब तो हम भारत में ही बड़े हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कदम बढ़ा चुके हैं। आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में करोड़ों नए रोजगारों का सृजन होगा। माननीय सदस्यगण, विश्व में आज ऐसे उत्पादों को विशेष मांग है जो पर्यावरण के अनुकूल है। इसलिए मेरी सरकार जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पर बल दे रही है। आज ग्रीन एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है। 10 वर्षों में नॉन फॉसिल फ्यूल पर आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो चुके हैं। इस दौरान सोलर पावर कैपेसिटी में 26 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह विंड पावर कैपेसिटी 2 गुनी हो चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी की दृष्टि से हम दुनिया में 4th नंबर पर हैं। विंड पावर कैपेसिटी में भी हम 4th नंबर पर हैं। सोलर पावर कैपेसिटी में हम 5वें नंबर पर हैं। भारत में 2030 तक अपनी स्थापित क्षमता का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल में से भरा करने का लक्ष्य रखा है। बीते 10 वर्षों में 11 नए सोलर पार्क बन चुके हैं। 9 सोलर पार्क्स पर आज काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही घर की छत पर सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को मदद दी जाएगी। इससे बिजली का बिल भी कम होगा और अतिरिक्त बिजली की खरीद विद्युत बाजार में की जाएगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 10 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्वीकृति दी है। हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम अभी तक लद्दाख और दमन दीव में 2 प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं।